नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे ग्रुप के मल्टी बैगर शेयर के बारे में जिसमें काफी तेजी देखने मिली है। ये एक ऐसे ग्रुप का शेयर है जिसमें अभी काफी तेजी आपको देखने मिल रहा है। तो वैसे ग्रुप कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट बताइए अभी कौन से वैसे ग्रुप है हमारे स्टॉक मार्केट में जिस ग्रुप के सारे शेयर में काफी तेजी देखने मिली है, मतलब उस सारे शेयर में एक आग लगा हुआ है आगे बढ़ने का। लगातार ये शेयर्स जो है लगातार नया पे नया हाई बनाते जा रहा है, तो उस ग्रुप का नाम तेजी से फटाफट कमेंट में बताइए। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है हमारा आलोक इंडस्ट्री। तो आप ग्रुप समझ गए होंगे वो कौन सा ग्रुप है जिसके सारे मल्टी बैगर शेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिलायंस। रिलायंस जिसमें काफी तेजी देखने आपको मिला है। तो रिलायंस का जो अभी आलोक इंडस्ट्री के शेयर का प्राइस है वो 41.10 रुपीज़। दोस्तों ऐसा हम आगे इस पे इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जिसमें लेवल्स टारगेट सारे की बात करेंगे। इसमें आपको जब तक इंटेंसिक वैल्यू इसका नहीं कैलकुलेट कर लेते और जब तक फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता जो कि 15 जुलाई को आएगा, तो जैसे रिजल्ट आएगा हम इस पे इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे तब लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे रिजल्ट को देखने के बाद। अभी तो इसमें जो ऑपरेटर्स का खेल हो या जो भी हो जिसके अनुसार ये स्टॉक चल रहा है उसी अनुसार आपको भी चलना पड़ेगा। अभी लोअर सर्किट लग रहा है, अगर आप चाहते इन्वेस्ट करना तो अभी 2-4-5 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, मतलब गिरावट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें हम अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं ये यहाँ से 4 रुपया से लगातार हाई बनाया 58 रुपीज़ तक का और कुल 1100% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। और वहाँ से आप इसमें गिरावट देखने मिला है तो वहाँ से आप देखते हैं 22% का गिरावट आ चुका है। अभी इस पे लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है और जो पिछला दिन था जिस ट्रेडिंग डे वहाँ पर ये ओपन हुआ था लोअर सर्किट, मतलब कुछ लोग यहाँ सेल भी कर पाए और बहुत सारा बाइंग भी हुआ। और वही 1 मंथ की चार्ट देखेंगे तो उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब जब से ये रिलिस्ट हुआ है रिलिस्ट होने के बाद 17 रुपीज़ के आसपास वहाँ से पहले 4 रुपया का लो बनाया वहाँ से फिर नया पे नया हाई बनाया। तो रिजल्ट जैसे आता है 15 जुलाई को ऐसा बोला जा रहा है कि एजीएम होगा, अगर होता है तो रिजल्ट इसके देखने के बाद हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। फिलहाल आप अगर इसमें जैसे जैसे लो आप प्राइस आता है तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम तो इसमें 20 रुपीज़ का वेट कर रहे हैं, अगर ये 20 रुपये के आसपास आता है तो हम इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे। अगर आपने यहाँ पर नीचे के लेवल पर बाय किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कब लोअर सर्किट लगेगा फिर ये कब इसमें रिटर्न अपर सर्किट मतलब उल्टा अपर सर्किट लगना शुरू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या होगा ये तो रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे अब ये रिलायंस ग्रुप का शेयर है तो सभी लोग इसमें काफ़ी पॉजिटिव है, तो आप भी पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टॉक्स है इसी ग्रुप का वो है नेटवर्क 89 मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। पहले रिलायंस के ऊपर काफ़ी डेप्थ था तो ये सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म थे, साथ साथ अब इसमें 2 पॉजिटिव न्यूज़ है। पहला कि इसका मर्जर होने वाला है, जो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, हाथवे केबल है, डे नेटवर्क है, उसके साथ जब ये मर्ज होगी कंपनी तो ये 5,000 करोड़ रेवेन्यू का ये स्टॉक्स हो जाएगा, मतलब ये कंपनी हो जाएगी तो ये पेरेंट कंपनी बनेगी और सारे कंपनी इसमें मर्ज होगी। और इसमें देख सकते हैं तो ये भी काफ़ी मूवमेंट दिखा चुका है, 1 मंथ में देख सकते हैं ये भी हाई बनाया 47 रुपये का और वहाँ से इसमें फिर से लो बना 39 रुपये का। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहले 30 रुपीज़ का स्टॉक्स पहले भी हुआ करता था, वहाँ से ये इसमें गिरावट आया और ये 15 रुपीज़ का लो बनाया और वहाँ से फिर इसमें तेज़ी देखने मिला 49 रुपीज़ तक का। यहाँ देख सकते हैं 49 रुपीज़ और लो तो कहे तो ये 15 रुपीज़ तक जा चुका था, 15 रुपीज़ के नीचे भी जा गया था जो हमारा गिरावट आया था पैंडमिक के कारण। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जो ऐसे आप थोड़ा सा इसमें और करेक्शन अगर आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ देखते हैं अभी ये फिर से अपर सर्किट इसमें लग रहा है, जो पिछला डे था यहाँ पर अपर सर्किट ये लास्ट समय में हिट कर दिया, तो फिर से अगर अपर सर्किट ओपन होता है ये नीचे के प्राइस पाता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें SIP मोड में, जैसे जैसे नीचे आएगा आप वैसे वैसे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये बेहतरीन कंपनी आगे जाकर के मीडिया सेक्टर की बन सकती है क्योंकि ये रिलायंस ग्रुप का शेयर है। रिलायंस जब तक डेप्ट में था और साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट है वो भी प्रभावित था, अब रिजल्ट भी इसका काफ़ी बेहतरीन आने वाला है। यहाँ देखिए 2 क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है, 149 करोड़ का रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट और 94 करोड़ का प्रॉफिट, देख सकते हैं 1500 करोड़ के आसपास का सेल्स है। तो ये सेल्स जो है जैसे मर्ज होगा कंपनी टीवी 18 प्रोडक्ट का सारे तो 5000 करोड़ रेवेन्यू वाला ये कंपनी बन जाएगी, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये।
और साथ ही साथ ये जो स्टॉक लॉन्ग टर्म में चार्ट पे देखिएगा, देख सकते हैं ये चार्ट पहले भी ये 400 का शेयर हुआ करता था, लेकिन ये कंपनी काफ़ी धीरे धीरे डेप्ट के अंदर आ गई, जिसके बाद रिलायंस ने 2014 में इसे एक्यूपाई कर लिया, तो रिलायंस इसे ओवरटेक कर लिया। अब ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, और रिलायंस तो जानते हैं मुकेश अंबानी जी के जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है काफ़ी बेहतरीन है, तो इसे निश्चित है कि मीडिया सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी बनाएंगे। तो ऐसे लीडर स्टॉक के साथ आप जरूर जाना चाहेंगे अगर आपको करेक्शन वाले प्राइस पर मिलता है तो। आप इसमें जैसे 100 शेयर बाय कर सकते हैं, फिर नीचे गिरावट में अगर और मिलता है तो आप इसमें और 100 शेयर बाय कर लेंगे। इस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। आप नेटवर्क 18 में बाय कीजिए या टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में, सारे मर्ज होकर के आपको नेटवर्क 18 के ही स्टॉक मिलेंगे। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में बाय करते हैं तो आपको 91 शेयर मिलेंगे 100 शेयर के बदले नेटवर्क 18 का। वहीं डेन नेटवर्क में बाय करते हैं तो आपको मतलब अलग शेयर मिलेंगे हाथवे केबल में अलग शेयर, तो जो मर्जर का रेशियो है उस रेशियो में आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। तो वहीं अगला जो हमारा इसका मल्टीबैगर शेयर है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का, जिसका चर्चा हमने पहले भी कर लिया, ये भी उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस तरह से नेटवर्क 18, क्योंकि 91 शेयर आप इसका 100 शेयर खरीद के रखते हैं तो 91 शेयर आपको नेटवर्क 18 के मिल जाएंगे मर्जर के बाद। तो जितना तेज़ी आपको नेटवर्क 18 में देखने मिलेगा उतना ही टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में, तो आप किसी में भी बाय कीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट नेटवर्क 18 में ही होगा, क्योंकि मर्जर के बाद आपको उसी का शेयर मिलने वाला है। तो इसका भी मूवमेंट देखेगा तो उसी तरह का है। एयरटेल डेट में देखेगा तो यहाँ से देख सकते हैं ये 12 रुपये का लो बनाया, 12 रुपया मतलब 11 रुपया 90 पैसा, वहाँ से देख सकते हैं 183% का रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को। तो इसमें भी चाहें तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, नेटवर्क एटीन चाहें तो उसमें बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको आ गया हाथवे केबल, ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसका प्राइस तो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि आप हाथवे केबल बाय करते हैं तो मात्र 71 शेयर मिलेगा, अगर इसका 100 शेयर बाय करके रखते हैं तो नेटवर्क 18 का मात्र 71 शेयर। तो प्राइस का रेशियो देख लीजिएगा, जिसका कम होगा उसमें बाय कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ये हम आपको एक ट्रिक बता दिए कि आप जिसका प्राइस रेशियो निकाल लीजिएगा, जिसका प्राइस रेशियो कम दिखेगा आप उसमें बाय कीजिए। और इसका देख लीजिए ये भी 188% का रिटर्न दे चुका अब जो गिरावट आया था पैंडमिक के कारण वहाँ से। उसके बाद अगला है हाथवे भवानी, ये जो ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है, देखते हैं काफ़ी ओवर वैल्यूड 40 रुपये जा चुका है, तो इसमें इन्वेस्ट ना करें, ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। यहाँ से देखिए जो गिरावट आया है, मतलब जो इसका लोअर प्राइस था वहाँ से आप देखिएगा तो देख सकते हैं ये कितना 1400% का रिटर्न दे चुका था, वहाँ से इसमें गिरावट आया फिर। तो ऐसे स्टॉक्स में आप बाय ना करें, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है, तो इस स्टॉक से दूर रहें। आपको बाय करना है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18, हाथवे केबल में, हाथवे भवानी में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक मर्ज होंगे तो नेटवर्क 18 के बन जाएंगे, लेकिन ये जो चार कंपनी हाथवे केबल मतलब हाथवे भवानी को छोड़ दें, हाथवे केबल, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18 और डेन नेटवर्क, ये चार कंपनियाँ मर्ज होगी, एकदम कन्फर्म न्यूज है। और ये इसका जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ ये अगर बिजनेस करता है या मर्ज होता है ये देखना है आगे। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है डेन नेटवर्क, इसका जो आपको शेयर अलाउट होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब अगर आप इसका 100 शेयर बाय करके रखते हैं तो नेटवर्क 18 को आपका जो नेटवर्क 18 है उसका बहुत ज़्यादा शेयर आपको मिलेगा, मतलब जिस रेशियो में अलाउट होना है उसी रेशियो में अलाउट होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्क 18 के शेयर मिलेंगे। इसका देख लीजिए आप, तो यहाँ से कितना परसेंट का रिटर्न दिया है ये 186, मतलब देख सकते हैं कि सब एक ही रेशियो में चल रहा है। इसका जो आप बाय करेंगे, ये शेयर बाय करेंगे तो आपको 191 शेयर मिलेंगे नेटवर्क 18 के, तो इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी 41 है नेटवर्क 18 का, इसका 78 रुपीज़ है, देख सकते हैं लगभग 2 times प्राइस भी है। तो ये सारा प्राइस बैंड आप देख करके रखिएगा, जिस प्राइस बैंड में है उसी प्राइस बैंड के अनुसार सब के सब स्टॉक्स ऊपर मूव करते हैं फिर नीचे मूव करते हैं, मतलब नेटवर्क 18 नीचे गया तो सारे स्टॉक्स नीचे जाएगा। तो नेटवर्क 18 क्योंकि पेरेंट कंपनी बनने वाली, सारे स्टॉक्स जो है उसी नेटवर्क 18 में मर्ज हो जाएंगे, तो ये सारा बात आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहा होगा। और तो अब हम इसके रेवेन्यू देख लेते हैं, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इसका रेवेन्यू देख सकते हैं, इसका भी 1500 करोड़ के आसपास है, और इसका प्रॉफिट देख लीजिए काफ़ी, मतलब हर क्वार्टर में प्रॉफिट और हर क्वार्टर में प्रॉफिट में जंप हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा मार्च क्वार्टर में डिक्रीज हुआ था दिसंबर क्वार्टर के कंपेयर में। तो 1500 का रेवेन्यू इसका हो गया, नेटवर्क 18 का भी आपने देखा 1500 का रेवेन्यू आसपास उसका भी है, 3000 का रेवेन्यू। फिर आप हाथवे केबल का देख सकते हैं, हाथवे केबल 500 कितना हो गया आपको 35। उसके बाद आप डेन नेटवर्क का देख सकते हैं, तो लगभग आपको
जो है 4000 करोड़ के आसपास आया। जब मर्ज होगा तो इसका जो बिजनेस है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा बिजनेस, जिससे रेवेन्यू 5000 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। तो 5000 करोड़ का जो रेवेन्यू है तो उससे प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होगा, तो प्रॉफिट भी 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ तक जा सकता है। तो इतनी बेहतरीन कंपनियां रिलायंस ग्रुप की ये बन जाएगी। तो रिलायंस ग्रुप की ये दूसरी कंपनी होगी, मतलब जो अभी लिस्टेड है, उसके बाद अगर रिटेल लिस्टेड होता है, जियो लिस्टेड होता है, तो रिलायंस ग्रुप की कई सारी कंपनी हो जाएगी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप रिलायंस ग्रुप को पसंद करते हैं, रिलायंस मुकेश भाई के मैनेजमेंट को, मुकेश अंबानी सर के मैनेजमेंट को आप पसंद करते हैं, तो निश्चित है आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी लोअर प्राइस पर आपको मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।